और घर के इतने सारे काम, अम्मी की डांट, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। खैर भाभी, ये सब तो चलता है। चलो ठीक है, वैसे देवर जी तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? पता नहीं, कल से फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह करे काम की मसरूफियात हो, दिल पर मत लेना। वैसे भी तुम अच्छे दिल की हो, साबिर हो। अब मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने महके चले जाओ, वहां शादी में अपनी माँ बहन का हाथ बटाओगी तो इस रूटीन से भी छुटकारा मिलेगा, अच्छा लगेगा तुम इस तरह। ठीक है भाभी, मैं खजर से फोन पे बात होती है तो उनसे पूछ लूंगी, और अम्मी का मूड ठीक हुआ तो उनसे भी पूछ के फिर चली जाऊंगी। लो जी, फिर तो तुम्हें इजाजत है, शादी गुजरने के बाद ही मिलेगी। और बता रही थी ना तुम अभी कि खिजर भी तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके पास वक्त नहीं है। और तुम्हें पता है अम्मी का जब मूड एक दफा खराब हो जाता है तो कई दिन तक ठीक नहीं होता। मैं क्या करूं भाभी? अरे तो तुम चली जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैंने कहा था, मेरे कहने पे गई हो। पर फिर वही बात, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं बता दूंगी उन्हें कि मैंने कहा था। चलो घर से किसी को बुलाओ और उसके साथ चली जाओ। ठीक है, फिर आप अम्मी और खजर से बात कर लीजिएगा, और अगर मेरी खजर से बात होगी तो मैं उनको बता दूंगी कि मैंने आपको बता दिया था। हाँ बाबा, बता दूंगी, समझा दूंगी उन्हें। अब जाओ, शाबाश। ठीक है, मैं जाती हूँ। हैरत की बात है, मेरे सामने तो उसने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। खिजर को तो बता कर गई होगी। पता नहीं। अच्छा मुझे खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा मेरे लिए खाना मत निकालना, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई हमें, इतनी सी बात पर आप खाना पीना छोड़ देंगी? ये इतनी सी बात नहीं है अनवार, रूही इस घर की बहू है, उसे आप लोगों से पूछ के इस घर से कदम बाहर निकालना चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे शादी से पहले अपने खालाजा सलमान के साथ घूमने फिरने निकल जाती थी। और तो और उसने मुझे खुदाफिस तक नहीं किया, ऐसे चहक रही थी जैसे कि, यानी उसका भाई नहीं उसे यूं किया? नहीं अम्मी, वही उसका खालाजा सलमान आया था जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। सुना है बहुत अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिली है, और कंपनी वालों की तरफ से बड़ी लशपश कार भी मिली है। रूही तो बहुत खुश थी उसकी एकदम से इतनी बड़ी तरक्की होने पे। अब मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए।